हल्द्वानी पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य के मेडिकल कॉलेज के सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में बन रहे 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जानकारी ली है, जिसमें विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि अब तक 136 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में 44 निर्माणाधीन है और 65 पूर्ण हो चुके हैं और बाकी शुरू होकर सेवाएं देने लगे हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि मोतीनगर क्षेत्र में बन रहे 200 बेड के अस्पताल का निर्माण 57% तक हो चुका है, जबकि 50 बेड का महिला अस्पताल निर्माण उसका होना है। इसके लिए जल्द ही निर्माण शुरू करने के स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं। बैठक में मंत्री ने सभी ब्लॉक के डॉक्टरों की समुचित व्यवस्था और उनके आवास की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। उत्तराखंड सरकार का एक चिंतन और उसमें हमने अपने राज्य में तीन बेसिक बातों को 2025 जब राज्य 25 साल का हो जाएगा, एक तो पूर्ण साक्षर राज्य करना है, एक 2024 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है, एक 2024 तक उत्तराखंड को जो है हम लोगों ने टीबी मुक्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि देवभूमि को ड्रग फ्री करना, और इसके लिए आज कल हम हर जिलों में बैठकें भी कर रहे हैं, सभी संबंधित विभागों को जो है बुला के और एक व्यापक अभियान इसके लिए चलाया जाएगा।